ने क्यों कहा कि मैं एक ही बच्चे को पढ़ाना चाहता हूं, क्यों इस इंजीनियर के उस भावना को इसके मन में ही मारना चाहते थे? क्या बनना है पढ़ के बाबू? आर्मी। मुझे लगता है कि पूरे बिहार के लिए ये रिकॉर्ड है कि कोई बच्ची कह रही कि मुझे आर्मी में जाना है और देश का सेवा करना है। दोस्तों, न्यूज सच से सच तक में आप सभी का स्वागत है और अभी हम उपस्थित है बीएसडी इंटरनेशनल स्कूल मझवलिया में और आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस पे पूरे देशवासियों को मेरे तरफ से भी शुभकामना है और अभी हमारे साथ इस विद्यालय के जो संस्थापक है, पूर्व में शिक्षक भी रह चुके हैं सरकारी विद्यालय के, शंकर सर, और अभी जो विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय हैं विनय सर, ये लोग उपस्थित है और कुछ ग्रामीण उपस्थित है। हालांकि सबसे पहले तो सर स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल के दर्शकों को। 15 अगस्त है सर, आखिर 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं सब लोग जानता है, फिर भी 15 अगस्त पे क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, एक आज़ादी का उत्सव है और इस आज़ादी के उत्सव में हम लोग भी जश्न मनाते हैं। बहुत सारे देश के जो आज़ाद कराने के लिए अपनी अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उस कुर्बानियों को याद करते हुए हम लोग जश्न मनाते हैं, ताकि बहुत सालों के बाद देश को जब आज़ादी मिली, बहुत भगत सिंह हुए, सुभाष चंद्र बोस जी हुए, ये लोग देश के लिए बहुत अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिए, तो उस कुर्बान को याद करने के लिए हम लोग झंडा तोलन करते हैं, झंडा फहराते हैं और जश्न मनाते हैं। उस कुर्बान को याद करने के लिए हम लोग झंडा तोलन करते हैं और आज़ादी के इस पर्व को मनाते हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी उस बात को भूले नहीं। और इसके साथ ही मैं आज बीएसडी इंटरनेशनल स्कूल में बीते 6 महीने से आने के लिए सोच रहा था। बीते 6 महीने से मैं कई बार सर को परेशान भी किया कि सर आ रहे हैं, लेकिन पता है नहीं कि रास्ते में से कुछ जरूरी काम की वजह से चला जाना पड़ा। वो क्या था मैं आप लोग को बता रहा हूँ, एक बड़ी अजीब कहानी है और उस कहानी को बताने का मतलब बनता है, इसलिए मैं बताता हूँ आप लोग को। एक गांव में मैं गया हुआ था, उस गांव की एक महिला थी, वो अचानक से मेरे सामने आई और कहने लगी कि बाबू मैं चाहती हूँ कि उनके पति मर गए हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेरी बेटी प्राइवेट स्कूल में पढ़े ताकि गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा बढ़िया नहीं मिलता है। तो हम बोले अच्छा है, प्राइवेट स्कूल में जाके आप नामांकन करवाइए। प्राइवेट स्कूल वालों को गवर्नमेंट की तरफ से ये नियम आया है कि 25% बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है आपको, है ना सर? तो उसी के तहत वो गई थी वो महिला किसी प्राइवेट स्कूल में और वहाँ के वो शिक्षक महोदय ने जो बोला, मुझे बोलने में भी शर्म आता है, वो बोले कि देखिए यहाँ पे कोई दाल सब्जी का दुकान नहीं खुला है कि मैं आपको फ्री में दे दूँ। हाँ, एक बच्चे को आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपके 3-3 बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, काहे कि हम भी शिक्षक रखते हैं तो उनको पैसा देते हैं। वो बात जब हमसे बोली तो मैं बड़ा मायूस हुआ और मेरे टीम के लोगों का हमेशा ये प्रयास रहता है कि गरीब बच्चे का भी उत्थान हो, गरीब बच्चे की को भी उचित शिक्षा मिले, सही शिक्षा मिले, ताकि वो आगे चल के अच्छा काम करे। और इस संदर्भ में मैं जब भी प्राइवेट विद्यालय में किसी भी प्राइवेट विद्यालय में जाता हूँ तो वहाँ के जो भी संस्थापक रहते हैं या फिर प्रधानाचार्य रहते हैं उनसे, गवर्नमेंट का तो नियम है ही, उसके बावजूद भी मैं उनसे वादा करवाता हूँ कि आप कहिए कि आपके एरिया का कोई बच्चा आएगा, गवर्नमेंट स्कूल का हो या फिर गरीब हो, जो पढ़ना चाहता हो और पैसा नहीं दे पाए, उसको आप पढ़ाइएगा। और ये वादा वो लोग करते हैं और ये वादा इस विद्यालय के भी मैं संस्थापक महोदय से बीते 26 जनवरी को करके गया था और उसके बाद मुझे याद आया, लगभग रात के 9:30 बजे बज रहे थे और मैंने यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय को फोन लगाया, बोला कि सर ऐसा ऐसा बात है और एक गरीब बच्ची पढ़ना चाहते हैं, एक गरीब परिवार के 3-3 बच्चे हैं, लेकिन क्या सरकार के ऐसा ही नियम है क्या कि एक बच्चे को ही पढ़ाया जा सकता है? इन्होंने कहा कि सुनील जी, अगर वो परिवार गरीब है तो क्या सरकार का नियम एक बच्चे का है कि 3 बच्चे का है, उसको ताक पे छोड़ दीजिए, लेकिन हम उस परिवार के 3ों बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे इस विद्यालय में बहुत सारे अभिभावक भी आए हैं, अगर उनको लगता है कि ये बात में सत्यता है तो एक बार जोरदार ताली बजाए और समर्थन करें कि हाँ सच में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में भी गरीब बच्चे पढ़ सकते हैं, अगर ऐसे ऐसे संस्थापक यहाँ पे अगर है इस बिहार में, ऐसे ऐसे प्रिंसिपल अगर इस बिहार में है, तो गरीब बच्चों को भी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने का हक बनता है और वो पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं इस विद्यालय का आजीवन
शुक्रगुजार रहूंगा और तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरा मान सम्मान रखा। और उस ये बच्चे मेरे सामने हैं, मैं एक बार इन बच्चों से बात करना चाहूँ। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? शिवम कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? टू। अच्छा, पापा तुम्हारे हैं? नहीं, पापा नहीं है। मम्मी क्या करती है? खेत में काम करती है। जरा सोचिए ना महोदय, मम्मी खेत में काम करती है और बच्चा बाबू पढ़ के क्या बनना चाहते हैं? पढ़ के इंजीनियर। अब जरा सोचिए, एक गरीब क्या एक गरीब को पढ़ने का हक नहीं है? उस बेटे को पढ़ने का हक नहीं है जिसका बाप नहीं हो, उसकी माँ मजदूरी करती हो खेतों में? क्या उस बेटे को इंजीनियर बनने का हक नहीं है? अगर हक है तो मैं उस विद्यालय के उन शिक्षक महोदय से यहाँ से कहना चाहता हूँ कि आखिर आपने क्यों कहा कि मैं एक ही बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ? क्यों इस इंजीनियर के उस भावना को इसके मन में ही मारना चाहते थे? क्या नाम है बाबू तुम्हारा? इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? कुमारी। साक्षी कुमारी, पढ़ के क्या बनना चाहती हो? पढ़ लिख के कुछ बनना है? क्या बनना है बोलो? क्या बनना है बोलो? क्या बनना है बाबू बोलो? बच्ची है, बोलने में थोड़ा सा असहज महसूस होता है। माइक जब भी आता है बड़े बड़े लोगों के सामने तो वो लोग भी बोलने में हिचकी जा जाते हैं। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी, अच्छा किस क्लास में पढ़ती हो? टू में। इसके पहले किस विद्यालय में पढ़ती थी? सरकारी स्कूल। सरकारी में। अच्छा एक बात बताओ बाबू हमको, सरकारी में पढ़ती थी तो वहाँ ज्यादा अच्छा लगता था कि यहाँ अच्छा लगता है? यहाँ अच्छा लगता है। यहाँ का है तुमको अच्छा लगता है? सर अच्छा से पढ़ाई नहीं होता है। किस क्लास में पढ़ती हो? टू। अब जरा बताइए ना महोदय, कक्षा दो की विद्यार्थी है और इसको भी पता है कि मैं जिस विद्यालय में पढ़ रही हूँ वहाँ मेरा भविष्य नहीं बन रहा है, वहाँ पढ़ाई मुझे सही नहीं मिल रहा, इसलिए इसे प्राइवेट विद्यालय का रुख करना पड़ा और इसको पता है कि वहाँ पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा था। क्या बनना है पढ़ के बाबू? आर्मी। मुझे लगता है कि पूरे बिहार के लिए ये रिकॉर्ड है कि कोई बच्ची कह रही कि मुझे आर्मी में जाना है और देश का सेवा करना है। अब जरा बताइए ना, इसके उस जज्बे को कुछ लोग मार देते हैं बस चंद पैसों के लालच में। अब मैं चलूंगा यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय के पास और मैं जरा उनसे जानना चाहूंगा, वो भी युवा है, कि आखिर क्या आपको पैसों का लालच नहीं है क्या कि गरीब बच्चों को मेरे एक फोन पे एडमिशन ले लिया? सर पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एडमिशन ले लिया, लेकिन क्या आपको और उन विद्यालय के शिक्षकों में क्या अंतर, आखिर उन्होंने क्यों एडमिशन नहीं लिया और आपने ले लिया? नहीं नहीं, हर विद्यालय को चलाने के लिए कुछ ना कुछ जरूरत होती है, लेकिन अगर इस ऐसे बच्चे और भी मेरे पास अगर आते हैं तो ऐसे बच्चों को मैं और पढ़ाऊंगा। मुझे ऐसे बच्चों से पैसे की जरूरत नहीं है। अगर ये बच्चा कुछ पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं तो उनके लिए हमारी स्कूल हमेशा खुली रहेगी और हमेशा उन बच्चों के लिए हम खड़े हैं। वैसे जितने भी बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, पढ़ाना चाहते हैं, वैसे बच्चों को स्कूल भी मदद करेगी, किसी चीज़ की जरूरत पड़े उसमें भी भागीदारी लेगी स्कूल और उनको पढ़ाएगी भी स्कूल। अच्छा एक बात बताइए, उस नियम के तहत ये दो मिनट बच्चे शांत रहेंगे, उस नियम के तहत ये भी है कि क्या उन बच्चों का सिर्फ और सिर्फ आप क्लास वन में ही एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन आप जिन इन बच्चों का किस क्लास में एडमिशन? मैंने क्लास टू में लिया है। पहली बात है कि बच्चों के उम्र के साथ एडमिशन होनी चाहिए, उनकी ग्रोथ देखनी चाहिए कि बच्चे किस क्लास में है, ताकि एक सबसे बड़ी बात एक उम्र के अनुसार उनको मैट्रिक की बोर्ड करानी है तो उसी क्लास उसी उम्र के अनुसार बोर्ड में एडमिशन हो जाए, क्लास में एडमिशन हो जाए। दूसरी चीज़ है कि मैंने कोई गवर्नमेंट के अप्रूवल के द्वारा बच्चों का एडमिशन नहीं लिया, ये मैंने अपने स्कूल की तरफ से बच्चों को पढ़ाने के लिए एडमिशन लिया है और स्कूल पढ़ा रही है इन बच्चों को। कोई सरकारी योजना नहीं मिल रही है, ना ही कोई सरकार से योगदान मिल रहा है कि इन बच्चों को ड्रेस दे दिया जाए, इन बच्चों को कपड़ा दे दिया जाए, बुक दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी मदद मिल रही है स्कूल के संस्था के द्वारा मिल रहा है। अब जरा सोचिए, गवर्नमेंट का नियम है कि 25% बच्चों को फ्री में पढ़ाना है, लेकिन उसके तहत और भी नियम है कि आप बच्चों का एडमिशन कक्षा वन में ही ले सकते हैं। अगर विनय सर चाहते तो इन सारे बच्चों का क्लास वन में एडमिशन ले लेते और शायद किसी न किसी दिन सरकार के द्वारा इन बच्चों के पढ़ाई का सारा खर्चा दे दिया जाता विनय सर को, लेकिन विनय सर को और अब इन बच्चों का भविष्य का अभी ख्याल था और इसलिए उन्होंने सरकार के उन पैसों का ख्याल नहीं किया, बल्कि उन सरकार के पैसों का लालच नहीं किया, बल्कि इन बच्चों के भविष्य को देखा और इनको लगा कि अगर इन बच्चों का मैं क्लास वन में एडमिशन लेता हूं
तो कहीं ना कहीं इनका भविष्य एक साल दो साल लेट हो जाएगा। इसलिए इन्होंने जो बच्चा जिस लायक था उसमें एडमिशन लिया, और शायद मुझे लगता है कि विनय सर ने ये बहुत बड़ा इन बच्चों को एक साल दो साल की जिंदगी लौटा दी। और जरा सोचिए ना, एक दिन की जिंदगी कोई नहीं दे सकता है। और उस वक्त मुझे ये जरा बता दीजिए कि आप अगर एक दिन का जिंदगी दे नहीं सकते हैं तो किसी बच्चे का भविष्य एक साल दो साल पीछे क्यों कर सकते हैं। सर विनय सर एक चीज और मुझे बताइए, क्या इन बच्चों के तरह और भी बच्चे आए आपके पास? किसी दिन ऐसा भी नौबत आए कि एक वर्ग में 10-10 बच्चों का एडमिशन लेना पड़े, उस वक्त की स्थिति में आप क्या की? देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि ऐसे बच्चों के लिए हमेशा VSD इंटरनेशनल स्कूल खुला है। ऐसे बच्चों को हमेशा संस्था पढ़ाएगी और हर पल हर समय खड़ी रहेगी, चाहे जितने भी बच्चे आए पढ़ने के लिए उनको बच्चों को पढ़ाया जाएगा। आज स्वतंत्रता दिवस है और मुझे लगता है कि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, और मुझे लगता है कि स्वतंत्रता दिवस का असली मायने यही होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पेरेंट्स उस काबिल नहीं है, फिर भी हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाके अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा स्वतंत्रता कुछ नहीं हो सकता है। सर इससे बड़ा स्वतंत्रता कुछ हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, इतना बड़ा बलिदान कम है। मुझे लगता है कि स्वतंत्रता दिवस का असली मतलब मायने यही होता है कि मैं अगर चाहता हूँ कि मैं अच्छे विद्यालय में जाके पढ़ूं तो मैं जाके पढ़ सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं है, ना ही मुझे पैसों की पाबंदी है, ना ही मेरे पेरेंट्स को मतलब मेरे पेरेंट्स ऐसे होने चाहिए जो 30,000-40,000-50,000 कमाते हैं, ताकि प्राइवेट स्कूल वालों को, मुझे पता है कि थोड़ा सा फीस जो होता है बड़ा होता है, मतलब मोटा रकम का होता है, फिर भी यहाँ पे स्कोप है और उसके लिए